देश की राजधानी दिल्ली मरीजों की अचानक से संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी से जूझ रही है। इसी दौरान आज सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में आने वाले ऑक्सीजन का कंटेनर KMP से कुंडली बॉर्डर के बीच में फंसा हुआ है। इसकी सूचना मिलने के बाद तुरंत SHO अलीपुर और उसकी टीम KMP पर पहुंचे, साथ ही हरियाणा पुलिस से भी मदद मांगी और हरियाणा के सोनीपत जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में पूरी मदद की और इस ऑक्सीजन के कंटेनर को दिल्ली तक पहुंचाया। इस ट्रक को दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल तक पहुँचाया, क्योंकि COVID-19 के चलते दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कमी है। ऐसे में ये कंटेनर में मौजूद ऑक्सीजन भी सैकड़ों लोगों की जान बचा पाएगा।